हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। आई स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रियल कॉन्सेप्ट पर। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं सर, जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हो रहा है यूपी पॉलिटेक्निक का, यानी 2021 का जो काउंसलिंग हो रहा है सर, फर्स्ट राउंड का, ठीक है, उसका रिजल्ट कब आने वाला है, ये मैं आपको बताऊँगा। फिर मैं दूसरी चीज़ बताऊँगा, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है या फिर मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है या फिर मनपसंद कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे। और तीसरी चीज़ बताऊंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराओगे आप। ये तीन इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है, बच्चों को जानना था। बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे थे, मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। आपको पता है कि 14 तारीख से लेकर के 16 तक, यानी कि आज है 16 हमारा, 3 बजे तक, यानी 3 PM तक आपका क्या होगा, काउंसलिंग होगा, यानी कि सीट लॉक करने का ऑप्शन होगा। यानी कि जो बच्चा अभी तक लॉक नहीं किया है सीट, जा करके तुरंत कर दे, 3 बजे का वेट नहीं करेगा, उससे पहले ही कॉलेज को क्या करना है, आपको लॉक कर देना है। क्या करना है, कॉलेज को लॉक कर देना है, ठीक है। अब 3 बजे तक अगर कॉलेज लॉक होगा तो हार्डली, जहाँ तक मुझे लग रहा है, 7 से 8 PM, यानी कि 7 से 8 बजे रात तक, ये हो सकता है कि 9 भी हो जाए, 9 बजे तक आपका रिजल्ट हार्डली आ जाएगा कि आपके कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। ये चीज़ें आपको कब पता चल जाएंगी, आज 7 से 8 बजे तक, हो सकता है कि 9 बज जाए, मतलब आज कैसे भी करके आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 3 बजे तक आपका चॉइस फीलिंग रहेगा कौन सा कॉलेज आपको लेना है, आप काउंसलिंग करके आप चूज कर सकते हो। तो रिजल्ट आपका 7 से 8 या फिर 9 बजे तक आपका कन्फर्म है कि रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड का। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है, सर मेरा रैंक अच्छा नहीं था, अगर कॉलेज नहीं मिलता पहले राउंड में तो क्या करना चाहिए। तो भाई आप बिल्कुल सेफ हो, आप अगेन काउंसलिंग करा सकते हो, आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक ऑप्शन होता है फ्रीज और फ्लोट का, इस ऑप्शन का यूज करके आप आगे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि कॉलेज मिला हो और उनका मनपसंद का ना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन दिया होगा उसको क्लिक करेंगे, फिर आपको क्या होगा, फ्रीज फ्लोट पर बहुत अच्छे से मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है, आप देख लेना उसको, प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे IIT पॉलिटेक्निक इन्फॉर्मेशन वाले, तो हाँ मैंने फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मैंने बताया कौन सा आपको चूज करना है, क्या कॉलेज नहीं लेना है फिर लेना है, तो ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। यानी कि अगेन आप काउंसलिंग करवा सकते हो, जिनको नहीं भी मिला वो काउंसलिंग करवा सकते हैं, और मिला है और अच्छा नहीं है तो भी वो फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन चूज करके काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। ये काम फ्रीज फ्लोट वाले ज़रूर कर लेना और अच्छे से समझ लेना, जाकर के वीडियो बना दिया मैंने, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तीसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा सर। तो भाई आपको मान लो आप कहाँ के रहने वाले हो, आप मान लो गोरखपुर के रहने वाले हो, देवरिया के रहने वाले हो, कहाँ के, गोरखपुर और देवरिया के रहने वाले हो, आपको कॉलेज मान लेते हैं मिल गया भाई आगरा, कहाँ मिल गया, आगरा में कॉलेज मिल गया, तो क्या आपको आगरा जाना पड़ेगा, नहीं आपको आगरा नहीं जाना है, आपको आगरा नहीं जाना है भाई, कहाँ जाना है, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही, गृह जिले में ही, यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट में ही क्या होगा, होम गृह जिले में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, सरकारी कॉलेज होगा या फिर अर्धसरकारी कॉलेज होगा, ठीक है, वहाँ पे बताया जाएगा आपको, वहाँ पे आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है जाकर, ऐसा नहीं कि आप आगरा पहुँच जाओ कॉलेज में, नहीं, कोरोना काल में ये सब चीज़ें सुविधा आपको दी गई, आप यहीं पर आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, सॉरी काउंसलिंग कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि पहले राउंड का रिजल्ट है जो कब आएगा, आज आ जाएगा 7 से 8, हार्डली 9 बजे तक आपका आ जाएगा, और कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या करना भाई, फिर से अगेन काउंसलिंग करवा सकते हो, फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन जो दिया उसको थोड़ा एक बार देख लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, आपके होम जिले, ठीक है, गृह जिले में, यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट में, आप खुद ही उस जिले में जाकर के पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो उसको जरूर देख लेना, उस पर वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है, और बाकी के वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लाइक करना, जो नए बच्चे आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, क्या करना, सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक भी नोटिफिकेशन आपसे बच न पाए, और आने वाले सेमेस्टर की क्लास में हम लोग बहुत धाकर तरीके से करने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नगल बेटू साथ, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।